देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिले। भारतीय कांग्रेस कमेटी के 35 राष्ट्रीय नेता और 3 मुख्यमंत्री देश के 35 अलग अलग स्थानों पर प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता किया, साथ में डॉक्टर मदन मोहन झा और मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल थे। सुनिए अलका लांबा ने किस तरह मोदी सरकार पर हमला किया। को मेरा नमस्कार। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 35 राष्ट्रीय नेता, 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल के, देश के 35 बड़े शहरों में ठीक इसी तरह जैसे मैं पटना के, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर रही हूँ, वैसे प्रेस वार्ता कर रहे हैं इस समय। मकसद है कि देश में बैठी, दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के सवालों के जवाब देने की बजाय उन आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि आपके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा, पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। खुलासा हुआ है अडानी की 38 फर्जी कंपनियां, जिसे शेल कंपनी कहते हैं, फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है। पिछले मात्र 3 दिन में रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनियों का 80,000 करोड़ रुपया डूब गया है। ये 80,000 करोड़ जो डूबा है, पूछना चाहता है देश कि ये SBI बैंक का है जो अडानी को आपने दिलवाया, क्या ये LIC का है 80,000 करोड़ जो डूब गया जो आपने अडानी को दिलाया। ये सवाल खड़े हैं देश के सामने। क्यों? क्योंकि SBI में पैसा किसका है? देश का पैसा है, गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्गी आम सरकारी कर्मचारी का है। LIC में लोगों का पैसा है, ये पैसा अडानी परम मित्र अडानी को दिया गया है जो लगातार डूब रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये 80,000 करोड़ जो डूबा या 20,000 करोड़ जो शेल फर्जी कंपनियों में लगा, मैं आपसे देश से पूछना चाहती हूं, अगर ये पैसा उद्योग लगाने में लगा होता तो क्या इतनी बेरोजगारी होती जो देश में है? नहीं होती, क्योंकि वो पैसा अडानी पे नहीं, उद्योग लगाने में लगता और बेरोजगारी खत्म होती, युवाओं को रोजगार मिलता। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो मुझे भरोसा था कि जो उज्ज्वला गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1200-1500 का सिलेंडर है, वो कांग्रेस के समय 400 था, वो 400 पर आता और महंगाई से हमारी बहनों को राहत मिलती। सवाल खड़ा करती रहेंगी। संसद में 22 राजनीतिक दलों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा, ईडी को नोटिस देने की कोशिश की कि जो ईडी पूरे देश के अंदर गैर भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ बात कर रही हूं, ईडी की रेड चल रही है, जहां पर गैर भाजपा शासन सरकारें हैं, समझौते नहीं कर रही है, JPC की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अडानी के महाघोटालों के खिलाफ जांच की मांग कर रही है, उन सबके यहां पर पुलिस, ईडी, CBI भेजी जा रही है। लेकिन वहीं पर कर्नाटका के अंदर 40% भाजपा की कमीशन खोर बोमई सरकार पर विधायक पकड़ा गया 40 लाख के साथ, 8 करोड़ के कैश के साथ, कोई सदस्यता किसी की नहीं गई, कोई ईडी नहीं गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की, और यहां पर 16 राजनीतिक दल, 200 सांसद संसद से ईडी की दफ्तर की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। और हम पूछना चाहते हैं, ईडी कब पहुंचेगी वहां तक, या कब पहुंचने दिया जाएगा उनको वहां पर? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बौखलाहट राहुल गांधी जी के खिलाफ वही थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसे फेल करने की कोशिश की, कामयाब कैसे हो गई? इसीलिए ये पूरा का पूरा संसद नहीं चल पाया, बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। उस संसद में जब बैठती है तो देश के कोने कोने का किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, महिलाएं,
शोषित वंचित उम्मीद करता है कि मेरी आवाज उस संसद में गूंजेगी, मेरा प्रतिनिधि यहाँ पर भी विधायक और हमारे एमएलसी बैठे हैं, उम्मीद से इनको चुनकर भेजा है कि ये आवाज बनेंगे, और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज को कुचलने का काम संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या? इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सीबीआई ईडी जुडिशरी तक, यूयू ललित हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है, वो हर हक अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में ना लगा होता तो हमारा देश का अन्नदाता किसान जो कर्ज में है, आत्महत्याएं कर रहा, उसका कर्ज माफ हो सकता था इन पैसों से। लेकिन आपने ना किसान का कर्ज माफ किया, ना आपने युवाओं को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई में एक रुपया भी जो है वो राहत देने का काम किया, आपने अपने मित्र को दिया। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूं। एक बिल्डिंग में चौकीदार बैठा है गेट पर और चोर घुसता है, लूटता है सारा पैसा लोगों का, सोते हुए लोगों का, और ले जा रहा है। इतनी देर में एक शख्स जागता है और देखता है कि बिल्डिंग में चौकीदार ने चोर को अंदर घुसाकर सब लोगों का मेहनत ईमानदारी का जुड़ा हुआ जो है पैसा वो चुरा रहा है। आदमी चीखता है, चोर 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 करता है। किस तरीके से, मैं आपको पोस्टर में दिखाती हूँ। चौकीदार चोर चोर कह के सबको जगाता है, सबको जागरूक करता है कि आप लूट रहे हैं, आपका पैसा है, ये लूट के चोर ले जा रहा है, जागो जागो जागो। इतनी देर में चौकीदार क्या करता है, चौकीदार को करना चाहिए था कि चौकीदार को क्या करना चाहिए था, चोर को पकड़ना चाहिए था, लोगों का पैसा जो लूट कर चोर भाग रहा है उससे वसूलना था। लेकिन चौकीदार ने क्या किया, चौकीदार ने चोर चोर चीखने वाले लोगों को जगाने वाले का मुंह बंद कर दिया, उसे खामोश करने की कोशिश कर दी कि चुप रहो। क्यों किया चौकीदार ने ऐसा, चौकीदार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चोर जो चोरी करके भाग रहा था उसमें चौकीदार का भी हिस्सा था। ये प्रेस वार्ता है, मैं माफी चाहूंगी। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ, गौतम अडानी के जहाज में, गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22 23 आते आते विश्व का नंबर एक का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं, इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से, SBI पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है।